गोवर्धन के नगला कहरी में दिव्यांग व्यक्ति के मार्ग पर दबंगों ने कई साल से कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से दिव्यांग व्यक्ति को अपने घर तक आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग व्यक्ति ने इसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामला गोवर्धन के नगला कहरी का है, जहां पर एक मनोज नामक दिव्यांग व्यक्ति रहता है, जिसने कई साल पहले किसी कारणवश अपना पैर गवा दिया था। वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक मकान में रहता है। उस घर से बाहर आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से उसे खेतों में होकर गांव के मेन रास्ते तक आना पड़ता है। उसे अपने घर के लिए घूम घूम कर बिना रास्तों के होकर खेत पर होकर घर पहुंचना पड़ता है। इस संबंध में दिव्यांग व्यक्ति की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि दबंगों ने उनके रास्ते पर दीवार खड़ी कर उसे बंद कर दिया है। कहाँ के रहने वाली हो? नंगला खेली है। तो क्या समस्या है आपकी? जी है, पर रास्ता नहीं है यहाँ पर। कब से नहीं है? जी वो भी 20-25 साल हो गए होंगे। तो स्कूल के बाद कहाँ से निकलती हैं? जी अब खेतों में निकल जाते हैं या फिर गोबर गावर गिरन जाते हैं तो पानी में निकलना पड़ता है कोटू में। तो स्कूल के बाद विभागीय अधिकारियों का भी संपर्क नहीं किया कहीं? किया जी, कोई सुनवाई नहीं करता, सब कहते करवा दें करवा दें। और क्या कुछ सुविधा मिली आपको सरकार द्वारा? कुछ भी नहीं मिली जी, राशन मिलता नहीं और कुछ नहीं मिली बस। शौचालय वगैरह नहीं मिला? नहीं जी कुछ नहीं मिला, कई बार बात कर ली सबसे, कोई सुनवाई नहीं करता। एक मिनट पोस्ट, इनके बारे में बोला जाएगा? सिर्फ वो विकलांग है? विकलांग है जी, 2 साल हो गए, हस्बैंड भी अब क्या करें, परेशानी हो रही, सब जाती हूँ अकेली घूमने फिरने वाली हूँ, कोई है नहीं साथ में। तो आपके हस्बैंड विकलांग है, तो फिर कहाँ किस प्रकार शौच के लिए कहाँ जाना पड़ता है? फिर शौचालय नहीं बना तो खेतों में चले जाते हैं जी, खेत है पास में, खेतों में बनाते हैं। तो शौच के लिए भी आपने प्रधान से नहीं बोला कभी? बोला जी, सब लोग कहते हैं दिलवाएंगे दिलवाएंगे, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल गया। विकलांग व्यक्ति के रास्ते पर दबंगों ने किया कई साल से कब्जा, कई बार